हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मधु उपाध्याय। मैं आज आपको इजी तरीके से साबुनदाना खिचड़ी बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने साबुनदाना रात में ही भिगोकर रख लिया था और ये बहुत अच्छे से फूल गया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से फूल गया है। और ये मैंने आलू चॉप करके रख लिया है। मैं इसे चॉप करके बनाऊंगी। सब लोग उबाल कर बनाते हैं, मैं इसे चॉप करके और इसे फ्राई करके इसमें डालूंगी। और ये मूंगफली है, मूंगफली को भी मैं भून कर ही डालूंगी। और मिर्चा, करी पत्ता। करी पत्ते को डालने से साबुनदाना का फ्लेवर, साबुनदाना खिचड़ी का फ्लेवर और भी अच्छा आता है। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको साबुनदाना खिचड़ी बनाकर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पर। फ्लेम को धीमी आंच पर मैंने कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये मस्टर्ड ऑयल है, हल्का सा डालूंगी क्योंकि मुझे इसमें मूंगफली को फ्राई करना है। फ्रेंड्स, ये मूंगफली हम लोग थोड़ा हल्का भून लेंगे। इसको भूनने के बाद ही इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मूंगफली को हम भून रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मूंगफली भून गई है, ये ब्राउन हो गई है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मूंगफली मेरी भून गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा और तेल डालेंगे और ये आलू को हम फ्राई कर लेंगे। नमक डालेंगे। और इसे हल्का ब्राउन भूनेंगे। इसमें हम आलू को उबाल कर भी डाल सकते हैं और इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं। ये मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ। जब हम व्रत के लिए बनाते हैं तब इसमें आलू उबाल कर और उसमें सेंधा नमक डालते हैं। ये साबुनदाना खिचड़ी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और हेल्दी भी होता है बहुत। इसे नाश्ते में आप डेली खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा आलू भून रहा है अभी। ये थोड़ा हल्का फ्राई हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा आलू एकदम फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसी इतने से ही तेल में ये जीरा डालूंगी। जीरा को चटकने दूंगी और ये हरी मिर्च डालूंगी और इसे भी चटकने दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जीरा चटक गया और मिर्चा भी फ्राई हो गया। अब मैं इसमें करी पत्ता डालूंगी। अब फ्रेंड्स, ये जो मैंने साबुनदाना को भिगो के रखा है इसे डालूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसे ट्रांसपेरेंट होने तक इसे भूनूंगी। फ्रेंड्स, जो मैंने मूंगफली और आलू को फ्राई किया था, अब मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी।
आप मूंगफली को भून कर इसको पीस कर भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं इसे इजी तरीके से बना रही हूँ, व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं इसे नाश्ते में रोज़ खाती हूँ इसलिए इसे बना रही हूँ। नहीं तो मैं जब व्रत के टाइम बनाती हूँ तो मैं मूंगफली को पीस लेती हूँ और आलू को उबाल कर डालती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं इसमें नमक मिलाऊंगी स्वादानुसार। मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसमें बहुत कुछ भी डाला जाता है जैसे टमाटर, जीरा पीसकर, धनिया, मटर आप भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास अभी वो सब नहीं है तो मैं इसे एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम इसे उतारेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। फ्रेंड्स मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ थोड़ा चटपटा करने के लिए। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नींबू नहीं है, नींबू डालने से और भी ये टेस्टी लगता है। मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, चाट मसाले से भी इसका थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा होता है, खट्टा खट्टा। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा साबूदाना खिचड़ी तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स ये साबूदाना खिचड़ी बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। फ्रेंड्स अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा साबूदाना खिचड़ी बनकर रेडी हो गया है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स अगर मेरा ये साबूदाना खिचड़ी आपको अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे आप बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा कैसा लग रहा है खाने में। चिल्ड्रेन बाय।